रेवाड़ी के विराट अस्पताल में 25 अप्रैल के दिन ऑक्सीजन की कमी से कोविड मरीजों की मौत के मामलों में अभी तक क्या कार्रवाई की गई वो आप सबके सामने है। उस समय ये कहा गया था कि 48 घंटों में जांच की जाएगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ना ही इस मामले की जांच की गई है। हालांकि अब हरियाणा मानव अधिकार आयोग की तरफ से जिला प्रशासन को जब इस मामले में तलब किया गया तो एडीसी हरकत में आए हैं और एडीसी ने आज विराट अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स को आज बयान के लिए अपने ऑफिस बुलाया, जहां करीबन 1 घंटे तक दोनों पक्षों से बातचीत की गई। क्या बातचीत की गई उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसे ही जब ये मीटिंग खत्म हुई थी, जब दोनों पक्षों के बयान लिए गए थे, तो हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन ना उस समय जो सीएमओ रहे थे डॉक्टर सुशील माही उन्होंने कुछ बताया, और जो विराट अस्पताल की तरफ से डॉक्टर विराट वहां पहुंचे हुए थे उन्होंने कहा कि पहले जांच रिपोर्ट पूरी हो जाने दो, उसके बाद वो कुछ बताएंगे। और एडीसी से भी इस बारे में पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी वहां से चले गए। कुल मिलाकर किसी ने किसी भी तरह की कोई बात आज नहीं बताई, लेकिन जब 25 अप्रैल को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस वक्त डॉक्टर सुशील माही ने क्या कहा था, डॉक्टर विराट वीर ने क्या कहा था, और जिन लोगों के परिवार के सदस्य एक्सपायर हुए थे उन लोगों का क्या कहना था वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 मरीजों की मौत होने का ये पूरा मामला था। अस्पताल की तरफ से बार बार स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को लिखा जा रहा था, मुलाकात की जा रही थी, मीडिया के जरिए भी लगातार प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा था कि अगर समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन चेत में नहीं आया, सीएमओ ने एक्शन नहीं लिया, और आरोप ये लगाए गए थे उस समय कि सीएमओ ने जानबूझकर गाड़ी को रिलीज नहीं किया, यानी गाड़ी को जाने नहीं दिया और गाड़ी को रोक दिया गया, और जिसके कारण ऑक्सीजन विराट अस्पताल में देरी से पहुंची और 4 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस समय ऑक्सीजन को लेकर ज्यादा मारामारी थी, बावल स्थित ऑक्सीजन रिफिल सेंटर बनाया हुआ था और वहां से प्रशासन की निगरानी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो गाड़ियां हैं उनको रिलीज किया जा रहा था। उस समय यह कहा गया था कि डॉक्टर सुशील माही ने गाड़ी को रोके रखा, गाड़ी को रिलीज नहीं करने दिया, अगर वो गाड़ी को समय पर रिलीज कर देते, गाड़ी को जाने देते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और उसी के चलते विराट अस्पताल में जमकर बवाल लोगों ने काटा था, लोगों ने रोड जाम भी कर दिया था। डॉक्टर सुशील माही और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और ये भरोसा दिलाया था कि जांच की जाएगी और जांच के बाद उचित एक्शन लिया जाएगा। उस समय डीसी ने एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और ये कहा था कि 48 घंटे में ये कमेटी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद में एडीसी कोविड पॉजिटिव हो गए, इसलिए पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद में एडीसी जब स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी पर भी लौट आए तब भी इस जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया था, और अब जब मानव अधिकार आयोग की तरफ से जवाब तलब किया गया है तब कहीं जाकर अब दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं, यानी अब मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब मामले की जांच की जाती है और किसका इसमें दोष निकल के आता है और किसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, या फिर यूं ही जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाएगी। स्थिति भयावह है, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मेरे मामा जी की उम्र 50 साल, वो हमको रोता हुआ छोड़ के चले गए। सिर्फ सीएमओ की लापरवाही की वजह से उसने ऑक्सीजन की गाड़ी रोक ली और मामा जी तुरंत एक्सपायर हो गए मेरे। मैंने तो इतनी अच्छी बेचारी ने अपनी माँ की सेवा करके बिल्कुल सही लाई है। 36 घंटे खड़ी रही थी, मैं उनके पास सोने नहीं दिया 36 घंटे। मैंने मैं ठीक हो जाए 98% ऑक्सीजन आ गई। बहुत मेहनत करी थी, मैं 3 दिन से उनके पास खड़ी, 3 दिन से खड़ी थी। 25 मिनट के अंदर पूरी दुनिया तबाह कर गई, 25 मिनट के अंदर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा भाई गया 25 मिनट के अंदर, मेरा भाई गया। सही बताओ, आप घर में वही कमाने वाला था वही गया, अब क्या करेंगे हम ये बताओ। मैं पिछले आज सुबह भी जब मीटिंग थी उसमें भी मैंने कहा था कि हमारी लगभग 280 से 300 सिलेंडर्स की खपत है 24 घंटे के अंदर,
तो मेरे को ये जानकारी दी गई कि हमें गवर्नमेंट ने 100 सिलेंडर्स अलॉट किए हैं। तो मैंने जो हमारे नोडल अधिकारी है उनसे कहा कि भाई क्या तो हमें ये परमिशन दी जाए कि भाई हम पेशेंट्स की छुट्टी करें या हमें ऑक्सीजन दी जाए, एक काम तो करना पड़ेगा। लेकिन आज किसी मेलिफाइड इंटेंशन से वहाँ से हमारे ट्रक को 1.5 घंटा बावल में रोक लिया गया प्लांट के अंदर ही। इस वजह से हादसा हुआ, 4 लोग एक्सपायर हो गए इसमें। अस्पताल प्रशासन लगातार आरोप लगा रहा है कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरे प्रांत में ही हमारे ऑक्सीजन का दिक्कत हो रही है। कल से हम लगे हुए हैं पूरे प्रांत से। तो हमारे इंटरवेंशन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक करके हमारे पानीपत से 5 मीट्रिक टन हमारे कल अलॉट हुई है। और रात को ट्रक भेजा हमने, सुबह हमारा आया, अनलोड हो गया हमारे कस। और जो कल 5 मीट्रिक टन थी उसकी जो आज की सप्लाई और कम कर दी गई हमारी स्टेट ने। हमारी जो स्टेट की सप्लाई आज रेवाड़ी की थी वो 2 मीट्रिक कर दी, 3 मीट्रिक कर दी है। पहले 5 से 3 मीट्रिक कर दी है, मतलब तकरीबन 3.25 सिलेंडर भर पाएंगे मेरे रोज के। हमारी VC थी, VC में हमने रखा कि हमारे सिलेंडर भराए जाए, हमारे ऑक्सीजन और दी जाए हमारी। पर स्टेट ने कहा कि हमारा कोटा इतना ही मिल रहा है तो आपको इतनी मिलेगी। तो वो करने के लिए हम VC बैठे हुए थे, जैसे मेरे संज्ञान में आया कैसे से करके विराट में कोई दिक्कत हो रही है, तुरंत प्रभाव से मैंने डिप्टी सिविल सर्जन को बोल के उसको रिलीज करवा दिए। और कल शाम से लगातार हमने विराट में देने के लिए पूरा सुनिश्चित कर रखे हैं। 140 सिलेंडर रात को विराट में मिले हैं, और जब ये सिलेंडर जा रहे थे तब भी उसको मिले थे, उसके पास बैकअप पड़ा हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी से कुछ नहीं है, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, एक हद लड़ रहे हैं जी।